नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, आदाब, नमस्कार, नमस्कार। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, how do you propose to get rid of this phenomena when the people who are in the government decide the fate of the country, indulge in heavy corruption? The system is deep rooted. How can you uproot it? First of all, by cleaning up our political system. That is, by scrutinizing the backgrounds of all those people who want to enter public life, by banning the entry of people with criminal backgrounds from our political arena. We totally support the Election Commission in its efforts to prevent anti-social elements from entering and corrupting our social life. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तब आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे त्यागपत्र देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप मुझे विश्वास दिला देंगे, तो मैं अभी त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। ओके कोमल, मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ, कुछ भी होगा तो बता देना। ओके महोदय, ये उपहास का विषय नहीं, गंभीर समस्या है भ्रष्टाचार की। चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक और सरपंच से लेकर मिनिस्टर तक सब भ्रष्टाचार की कीचड़ में लथपथ है। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? मैं किसी भी सत्य को नाकारना नहीं चाहता। आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका सहयोग। क्योंकि जनता भी भ्रष्टाचार में योगदान करती है। रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वालों के कारण पनप रहे हैं। आरोप है प्रधानमंत्री जी, कोरा आरोप। सड़कों पे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले किसान, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इस देश की बड़ी बड़ी मिलों में काम करने वाले मजदूर क्या भ्रष्टाचार करेंगे? इससे लेंगे वो रिश्वत, लेकिन रिश्वत देना उनकी मजबूरी है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक इस महान देश में कोई अधिकार ही नहीं मिलता बिना रिश्वत दिए। घोटाले, हवाले, सबकी जांच की जा रही है। और अगर जरा प्रीवियस शॉट पे वापस पान कर देना प्लीज। हाँ, जरा थर्ड रो पे। ओ माय गॉड, ही इज हियर। और सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। देव, वो यही है। कहाँ? मैंने उसे पहचान लिया है। मेरे साथ चलो, सामने बैठा है। कहाँ है वो? वो भाग गया देव। Come on, seal the place. Yeah, quick. तुम कितना भी तेज दौड़ो गुजराल, कानून तुम तक पहुंच ही जाएगा। अगर तुम बच निकलने की सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ हो गुजराल। एवरीथिंग इज ओवर, गिव अप नाउ। नेवर, नेवर। लो गुजराल, मेरा हाथ पकड़कर अपनी जान बचा लो। मेरा हाथ पकड़ लो गुजराल। सूरज सिंह, मेरा हाथ पकड़ लो। देव बल्होत्रा, तुम मुझे बचाना चाहते हो? नहीं, मुझे मुझे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, खास करके तुमसे। तुम तो देशद्रोही हो, न जाने कितने मासूमों की जान ली है तुमने। मत तो करता है तुम्हारी गर्दन मरोड़कर तुम्हें नीचे फेंक दूं। कानून की वजह से मजबूर हो, तुम्हें तो जिंदा वापस ले जाकर बहुत सारे सवाल करने हैं तुमसे।
ना अपना हाथ दे दो। नहीं देव, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, अपना हाथ दे दो। हेलो। हेलो मिस्टर नाथानी, इज एवरीथिंग फाइन? ओ यस मिस्टर दत्त, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं जरा देव से बात करना चाहता था। या देव इज हियर, स्पीक टू हिम। देव? यस सर। हेलो देव। हाँ सर। मुझे अचानक दिल्ली आना पड़ा। मेरी एब्सेंस में मेरा चार्ज डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर नाथानी ने संभाला है, उनसे तुम मिल ही चुके होगे। ऑफ कोर्स सर। देखो गोपी और विजय भी मेरे साथ आए हैं, मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। जी सर, उसी के बारे में बात करने वाला था मैं आपसे। देखो खास बात हो तो फोन जरूर करना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कमजोर तो वो हो ही गया है, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जुनूनी लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर मुझे नहीं लगता कि ठाकुर के बनने के बाद वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेगा। इम्पॉसिबल। क्या हुआ सर? प्रधानमंत्री। क्या हुआ? पीएम ने रिजाइन कर दिया। लेकिन क्यों सर? जरा न्यूज देखते हैं। सेवा बिना पद के भी की जा सकती है, मुझे पद नहीं बल्कि इस देश की खुशहाली और अखंडता चाहिए। मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं, अपने जनता के प्रति प्रेम, उनके कल्याण के लिए प्रयास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ू। विडंबना है राजनीति की, आज की स्थिति ऐसी है कि बालू की बात मानो तो कालू सरकार गिरा देगा, अगर सदानंद की बात मानो तो ब्रह्मानंद सरकार गिरा देगा। हर साल चुनाव, हर साल ये देश 1200 करोड़ रुपयों से गरीब होगा, महंगाई बढ़ेगी और भूखे बच्चों के मुंह में दूध गंगा जल की तरह डाला जाएगा। देशवासियों, अगर मेरे पद छोड़ने से इस देश की भलाई हो सकती है, इस सरकार में स्थिरता आ सकती है, एक चुनाव डाला जा सकता है और सत्ता के लोग ही संतुष्ट हो सकते हैं, तो मुझे कोई इतराज, मुझे कोई अफसोस नहीं। याद रखिए कि इस देश की अखंडता और गौरव को ठेस नहीं लगना चाहिए। What a shame, sir. एक अच्छा इंसान बिना स्वार्थ के देश की सेवा करने वाला कितना मजबूर हो गया सत्ता के भिखारियों के सामने। It's a sorry state of affairs in our country. कितने अच्छे और काबिल नेता है शास्त्री जी, फिर भी। लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। सर, अब इस केस का स्टेटस क्या है? अब वो प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, इसलिए हर बात को अलग एंगल से देखना होगा। और जहां तक कि मेरा ख्याल है, ऑपरेशन रेड फोर्ट स्टैंड सस्पेंडेड। कौन है? बाप लगता है देव मल्होत्रा का। ये शायद उसकी बहन होगी। हेलो। उस दिन तो तुम बच गए देव, अब की बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मेरी आवाज तुम आखिरी बार सुन रहे हो। नहीं गुजराल, तुम्हारी ये मनुष्य आवाज एक बार और सुनूंगा। उस वक्त तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम जिंदगी की भीख मांग रहे होगे। नहीं देव, नहीं, वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे काम में बहुत बड़ी रुकावट बन गए हो, तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं शास्त्री को बड़े इत्मीनान से मारूंगा। लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे, तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारे खानदान का भी खात्मा करना पड़ रहा है। जल्दी घर पहुंच जाओ देव, कहीं देर ना हो जाए। बाय।
अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? चलिए उठे, कम ऑन। अरे डैड, घर में बॉम्ब लगा हुआ, कम ऑन, दिस नो टाइम टू आर्ग्यू, कम ऑन। डैड को नीचे ले जा। माँ, माँ कहाँ? माँ, माँ, चल माँ। अरे क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ? जल्दी माँ, कम ऑन, जल्दी, प्लीज। बता ना। घर में बॉम्ब लगा हुआ माँ। काका, 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 चलिए, चलिए जल्दी काका, चलिए। माँ, आप लोग यहाँ रुके, मैं अभी आया। माँ, सुबह घर में कोई आया था? मैं तो बाजार से अभी आई। डैड, मैं तो अभी क्लिनिक। हाँ, सुबह प्लम्बर आया था, वो बाथरूम का किचन का पाइप ठीक कर रहा था। काजी का? वो तो ऊपर बाथरूम में नहा रही है। ओह माय गॉड, कांची, 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 क्या हुआ भैया? काजी दरवाजा खोलो। भैया मैं नहा रही हूँ। Damn it, come out. What is the problem? कांची, अंदर बॉम्ब लगा हुआ, प्लीज जल्दी आओ बेटा। जल्दी नीचे चलो, डैड के पास ले जाओ और नीचे का बाथरूम चेक करो, ओके? मम्मी, किसी ने फ्लैश नहीं यूज किया। सूरज सिंह अभी भी शास्त्री साहब को मारना चाहता है, उनके साथ मीटिंग रखना बहुत जरूरी है।